आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करने के लिए कैसे उनके जीवन में प्रवेश करते हैं और कैसे उनके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। कथांक के माध्यम से आपको ये समझ में आ पाएगा आसानी से कि कैसे महाराज जी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन महाराज जी के जो कि बहुत ही अद्भुत भक्त थे, उनकी कन्या की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि जैसे कि मरणासन्न स्थिति में उनकी कन्या पहुंच जाती है। लेकिन क्योंकि वो महाराज जी के भक्त थे तो इसीलिए महाराज जी को रोज प्रार्थना करना उनका एक बहुत ही अद्भुत नियम होता है और रोजाना प्रार्थना करने के बाद अपनी कन्या की देखभाल में लग जाते थे। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीतते चले गए और महाराज जी तक किसी कारण ये समाचार नहीं पहुंच पाया कि उक्त सज्जन की पुत्री बहुत बीमार है। अब यूं लगने लगा कि जैसे उनकी पुत्री बच नहीं पाएगी। ऐसी स्थिति में एकाएक क्या होता है, क्योंकि महाराज जी से तो कभी भी किसी का दुख छुपता ही नहीं है, तो इस बार भी कैसे ये दुख छिप सकता था, क्योंकि महाराज जी अंतर्यामी हैं, अपने भक्त के हर हाल को समझते हैं। और होता क्या है, एकाएक उनके घर के दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो महाराज जी बहुत तेजी से उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां पर वो पुत्री बिस्तर पर लेटी हुई थी। महाराज जी घर के अंदर पहुंचते ही चिल्ला उठते हैं कि मार दिया मेरी बच्ची को, भूख से इसकी हालत खराब कर दी। इस प्रकार से महाराज जी के जब शब्द उस घर में रहने वाले सज्जन के कानों में पड़ते हैं तो जैसे कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे स्वयं श्री परमेश्वर उनके घर में पधारे हैं। महाराज जी ने पुत्री को आदेश दिया कि बैठ जाओ उठकर, और महाराज जी के शब्द सुनकर वो पुत्री बैठ गई और महाराज जी ने रोटी मंगवाई और रोटी पुत्री को खाने के लिए कहा। लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के चलते धीरे धीरे पुत्री उस रोटी को जो कि महाराज जी ने मंगवाई उसे खाया उसने, और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। इस प्रकार महाराज जी ने उक्त सज्जन के घर पर पहुंचकर उनकी पुत्री के प्राणों की रक्षा की। अब जान लेते हैं कि आज ऐसी परेशानी क्या आती है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा अधैर्य हो जाते हैं। इस कथांक को बताने का यहाँ पर तात्पर्य यह था कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आपको भी इस कथांक के अनुसार ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, और महाराज जी के अनन्य भक्त होने के नाते आपका विश्वास बहुत अडिग होना चाहिए। महाराज जी आप जीवन में जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस भी परेशानी को जीवन में झेल रहे हैं, महाराज जी आपके हर हाल को जानते हैं। महाराज जी को हर भक्त का हाल पता होता है कि उक्त भक्त की स्थिति क्या है। तो इसीलिए बिल्कुल भी अधैर्य मत हुआ करें जब भी आपके जीवन में कष्ट आए। मैंने आपको पहले भी कुछ क्रमांकों में बताया है कि जब आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा हो उस दौरान परमेश्वर का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम लें, अपने गुरुजनों की शिक्षा का पालन करना शुरू करें और महाराज जी का नाम, महाराज जी को हमेशा स्मरण करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रार्थनाएं समय समय पर महाराज जी तक पहुंचती रहेंगी और महाराज जी के साथ आपकी जो घनिष्ठता है वो बढ़ती जाएगी। कष्ट तो जीवन से निसंदेह चले ही जाएंगे। कोई कष्ट महाराज जी के अनन्य भक्त के ऊपर ऐसा नहीं आया जिसे महाराज जी कभी हटा ना सकें और उस कष्ट को मिटा ना सकें। तो इसीलिए हृदय से ये इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कठिन से कठिन दौर चल रहा हो उस समय स्वयं को अकेला बिल्कुल मत समझें, क्योंकि महाराज जी का एक बहुत ही अद्भुत प्रभाव है जो कि अपने अनन्य भक्तों को इतनी शक्ति प्रदान करता है। कष्ट में भी आप होते हुए हमेशा महाराज जी से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा जीवन में बिल्कुल ना सोचें कि आपके जीवन के कष्ट से महाराज जी अवगत नहीं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराज जी क्षण क्षण की जानकारी रखते हैं, तो ऐसे में और मुश्किल समय में कैसे अपने अनन्य भक्त को अकेला छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा आपका विश्वास अडिग होगा उतना ज़्यादा आपके जीवन में कष्ट कम आएंगे, क्योंकि यदि आपको ये पता रहेगा कि महाराज जी के होते हुए मेरा अनिष्ट हो ही नहीं सकता, तो इस विश्वास को जब आप हृदय में स्थान देंगे तो महाराज जी
आपको वो शक्ति स्वयं प्रदान करेंगे कि जब जब आप महाराज जी का नाम लेंगे कष्ट में, नाम लेने मात्र से ही आपके जीवन के कष्ट अपने आप क्षीण हो जाएंगे। और जहां तक बात रही महाराज जी के दर्शन की, तो जैसा कि मैं आपको हर क्रमांक में बताता हूं, जितनी ज्यादा घनिष्ठता, जितना ज्यादा लगाव, जितना ज्यादा जुड़ाव, उतना ज्यादा अनुभव जीवन में महाराज जी का होता है। तो इसीलिए आपको मैं हर क्रमांक में कहता हूं कि अपनी प्रार्थनाओं की संख्या को बढ़ाते रहिए। जितना समय मिल रहा है, जो भी समय आपको मिलता है, उस समय में प्रार्थनाओं के माध्यम से महाराज जी से जुड़िए। सबसे सरल मार्ग यही है। अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के कार्यों में संलग्न नहीं रहते, ज़्यादा जानकारी नहीं है पूजा पाठ के विषय में, तब भी आप अपने शब्दों में प्रार्थना करके जो पूजा करने का फल होता है, जो आध्यात्म का फल होता है, वे प्रार्थनाओं से भी बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से अनन्य भक्त ये पूछते हैं कि महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं, सबसे सरल मार्ग क्या है। सबसे सरल मार्ग है प्रार्थना का। जहाँ कहीं पर भी हैं, आप घर बैठे भी महाराज जी को प्रार्थना के माध्यम से अर्जी लगा सकते हैं। आपकी हर अर्जी महाराज जी स्वीकार करते हैं। एक बार की गई प्रार्थना जो कि आपके हृदय से निकलती है, वो भी महाराज जी को स्पर्श करके महाराज जी के सानिध्य को आपको आसानी से प्राप्त करवाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इसीलिए मैं तो यही आपके लिए कहना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी का आशीर्वाद मिले, महाराज जी का सानिध्य मिले और सभी के जीवन में कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।